नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक के करंट अफेयर्स देख रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे मध्य प्रदेश के आर्थिक नियोजन एवं बजट के बारे में। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो करंट अफेयर अपडेट हुआ है उन सभी को देखते हैं। आपको बता दें कि इन सभी लेक्चरों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी और इन सभी लेक्चरों के एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2019 के नाम से सूची बनी हुई, उसी में सभी पड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान शैक्षणिक स्थिति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.3% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 78.7%, महिलाओं पर साक्षरता तो 59.2%। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 की साक्षरता दर 63.70 की तुलना में वर्ष 2011 में 5.60 की प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी 72.99%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी 80.90% तथा महिला साक्षरता 64.60%। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर 8.9% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 10.9% की हुई। ठीक, मध्य प्रदेश शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक में 15वें स्थान पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में शासकीय में 80,807 शासकीय प्राथमिक विद्यालय और 30,228 शासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। तो शासकीय प्राथमिक विद्यालय कितने हैं मध्य प्रदेश में 2018-19 के अनुसार? 80,807 और शासकीय माध्यमिक विद्यालय 30,228। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी माना जाता है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में कुल 7,882 माध्यमिक विद्यालय हैं तथा 9,074 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। कुल 16,956 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 25.78 लाख उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 13.60 लाख कुल 39.38 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। आगे बात करते हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की शालाओं में नामांकन संख्या लाख में। तो प्राथमिक एक कक्षा 1 से 5 तक, तो आपको बता दें 2017-18 का देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें 40.38 लाख हैं बालक बालिकाएं हैं, 36.92 लाख टोटल हैं, 77.30 लाख। माध्यमिक की बात करें 6 से 8 तक कक्षा, तो इसमें 22.97 लाख हैं बालक बालिकाएं हैं, 20.66 योग है 43.63%। प्रारंभिक की 1 से 8 तक, तो इसमें 63.35 लाख हैं बालक और बालिकाएं हैं, 57.58%, 120.93 लाख है लाख में है। ठीक, बात करते हैं हम लोग
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नामांकन मात की 2017-18 में। तो अनुसूचित जाति ये बालक है 99.80 लाख और बालिकाएं हैं 99.83 लाख, कुल है 99.83 तो बालकों का 99.80 वो बालिकाओं का 99.83 ठीक है प्राथमिक स्तर में। माध्यमिक स्तर में 99.80 और 99.82 अनुसूचित जनजाति की तो 98.94 और 99.40। इसमें माध्यमिक में 98.94 और 97.09। अन्य की बात करें तो 99.77 और 99.81। माध्यमिक की बात करें तो 99.77 99.82। अब बात करते हैं विद्यालय छोड़ने की दर। राज्य में वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर क्रमशः 4.65 और 4.63, 3.63 छात्र थे 4.63 और छात्राएं थी 3.63, जबकि वर्ष 2016-17 में एक क्रमशः रही 5.1 और 4.7। राज्य में वर्ष 2016-17 के अनुसार माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की दर रही है क्रमशः 6.87 और 6.55%, जबकि वर्ष 17-18 में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिशत है 4.75% और 4.63%। ठीक है, यह विद्यालय छोड़ने की दर। तो प्रारंभिक 1 से 5 इसमें छात्र हैं 4.63, छात्राएं हैं 3.6, योग है इनका 2.42, माध्यमिक की 6 से 8 तक 4.75 और 4.63, योग है 4.7। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा, क्या देखते हैं उच्च शिक्षा। वर्तमान मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 24 राज्य विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय और 457 शासकीय विश्वविद्यालय, 483 अशासकीय विद्यालय, 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय। तो याद रखिए 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 24 राज्य विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 457 शासकीय विश्वविद्यालय, 483 अशासकीय महाविद्यालय, 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2018 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों को कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रारंभ की गई। तकनीकी शिक्षा, राज्य के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व है। तकनीकी शिक्षा जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करती है। तकनीकी शिक्षाओं की बात करें संस्थाओं की, दो वर्ष 2018-19 में बात करते हैं इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर, तो ये 164 है। MCA MCA में 42 संस्थाएं हैं, MBA में 154 संस्थाएं, बी फार्मा डी फार्मा 113 है, डिप्लोमा इंजीनियर पाठ्यक्रम 136 है। ठीक है, वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में कुल 609 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें से कुल
121,736 छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की क्षमता है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया। वर्ष 2018 में इसका पुनर्गठन कर राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड नाम प्रदान किया गया। वर्ष 2017-18 के अनुसार छतरपुर जिले के नौगांव में इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा आगर मालवा जिले में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की गई। आगर मालवा और नौगांव की, ठीक है, दो जगह, नौगांव छतरपुर के जिले नौगांव में और आगर मालवा में। आगे बात करते हैं, वर्ष 2017-18 में लटेरी हरसूद बरेली में नवीन पॉलिटेक्निक शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया गया। सिंगरौली में HCL तथा NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही। वर्ष 2018-19 में दतिया रतलाम विदिशा शिवपुरी सतना छतरपुर छिदवाड़ा शहडोल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें दतिया रतलाम छिदवाड़ा शहडोल विदिशा में पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी योजनाओं को देखते हैं, तो बात करते हैं राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन 20 अगस्त 1994 को प्रारंभ की गई, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा लोक व्यापीकरण किया जा रहा है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्त शासी संस्था है। इस संस्था के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। फिर आता है शिक्षा गारंटी योजना। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 से लागू है। यह योजना ऐसे स्थानों पर समुदाय की मांग पर 90 दिन के अंदर सरकारी एक स्कूल आरंभ करने की गारंटी देती है। 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र जहाँ न्यूनतम 25 बच्चे हैं, सामान्य क्षेत्र जहाँ न्यूनतम 40 बच्चे हैं। आगे बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। प्रारंभिक शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 75.25 के अनुपात में है। फिर है कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। 20 जुलाई 2004 को बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम महिलाओं की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में लागू की गई है। फिर है जवाहर नवोदय विद्यालय। यह योजना वर्ष 1986 से प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, इसमें छात्राओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। स्कूल चले हम अभियान वर्ष 2000 से 2001, स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य और शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान एवं विद्यालय में उनका नामांकन निश्चित कर किया जाएगा। फिर हमारी आती है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। इस योजना को मध्य प्रदेश ने जून 2017 में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास के विभाग के अंतर्गत किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रदेश में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गणित विज्ञान वाणिज्य संबंधी पाठ पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। तो वर्ष 2016-17 में निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना प्रारंभ की गई।
इस योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शासकीय विद्यालय नहीं है वहाँ कक्षा 9वीं में अध्ययन विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। फिर 2017-18 में लगभग 5.03 लाख छात्र छात्राओं को जेम पोर्टल के माध्यम से साइकिल प्रदान की जाती है। तो याद रखिए, जेम पोर्टल का संबंध साइकिल छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान करने से संबंधित है। छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2008-09 में प्रवेश के शासकीय विद्यालयों के अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2012-13 से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इकलौती बेटी के लिए शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जाएगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क 1500 रुपये से कम है। वर्ष 2013-14 से यह योजना समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित की गई। फिर है सुपर 100 योजना, सुपर 100 योजना, शासकीय विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, IIT, मेडिकल कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंट में प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय एवं इंदौर के शासकीय मल्हा राजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुपर 100 योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री 15 जून 2018 को गिफ्टी बुक अभियान का शुभारंभ किया। यह शिक्षा विभाग की नई पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय को समृद्ध बनाना है। इसमें समाज के प्रसिद्ध नागरिकों को बच्चों के सहयोग के उपयोग की पुस्तकें दान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्ष 2018 में जबलपुर जिले में प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई जिसे सुगम पुस्तकालय नाम दिया गया। प्रदेश की प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी भोपाल जिले में प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में भोपाल निवासी मुस्कान अहिरवार बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने घर में पुस्तकालय की शुरुआत की जिसके लिए उन्हें नीति आयोग द्वारा थॉट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में लीलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लीला गुरुकुल संस्थान चित्रकूट में स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना, 1 अप्रैल 2009 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है। तथा स्वास्थ्य, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि पूर्णता शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलन की स्थिति का नाम है। सामाजिक, भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता की अवस्था है। इससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, सार्वभौमिक वित्तीय रक्षण एवं मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों, चिकित्सा सुविधा के प्रबंधन, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोत्तर विकास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संकेत, मध्य प्रदेश में विगत वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा के अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी 5 अन्य संकेतकों की तुलना में आंकड़े निम्न हैं। देश की वर्तमान नवजात शिशु मृत्यु दर 32/1000
पर 32, शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर 24, बाल मृत्यु दर 55 एवं शिशु मृत्यु दर 47 है। ठीक है, सूचकांक मध्य प्रदेश और भारत, कुल प्रजनन दर मध्य प्रदेश में 2.8 है और भारत में 2.3 है। जन्म दर 25.1 है, भारत में 20.4 है। मृत्यु दर 7.1 है, भारत में है 6.4। शिशु मृत्यु दर 47 है, मध्य प्रदेश में 47 और भारत में 34। मातृ शिशु मृत्यु दर 173 है और भारत में 130,000 पर। उपयुक्त तो आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति की तुलना विदेश में और आर्थिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं की, तो जिला चिकित्सालय कितने हैं, 51, सिविल अस्पताल 69, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 334, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1,170, उप स्वास्थ्य केंद्र 11,152, सिविल अस्पतालय 52, 6 रोग अस्पताल 7 हैं, 5 क्लिनिक पॉली क्लिनिक 6 हैं, ट्रामा सेंटर 8 हैं, ग्राम आरोग्य केंद्र 49,864 हैं, कैंसर चिकित्सालय 3 हैं। ठीक, मानसिक चिकित्सालय 2 हैं, याद रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से आयुष्मान भारत योजना शुभारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा एवं चिकित्सालयों में 5,00,000 रुपये तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश बाल विकास, मध्य प्रदेश 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। बाद में पृथक रूप से 1988 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2012 में इस विभाग के अंतर्गत दो संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय, महिला सशक्तिकरण संचालनालय का गठन किया गया। बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण उन्नति सर्वांगीण विकास हेतु 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 84,465 आंगनवाड़ी केंद्र, लगभग 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 80,00,000 हितग्राहियों को एकीकृत बाल विकास सेवा से लाभान्वित किया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश महिला नीति 2015। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने, महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास के प्रति सम्मान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य 19 मई 2015 को प्रदेश की महिला नीति लागू हुई 2015। ठीक, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, मध्य प्रदेश वर्ष 2007-08 में लिंग आधारित जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य, याद रखिए 2007-08। आगे बात करते हैं महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करने, उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1988 को मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई। 31 मार्च 2001 को इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम रख दिया गया है। महिला आर्थिक विकास निगम, इसकी स्थापना 12 नवंबर 1986 को की गई। महिला की आर्थिक गतिविधियां प्रोत्साहित करना, ऋण प्रशिक्षण पूंजी एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा विपणन में सहयोग कराना इस निगम की प्रमुख कार्य है।
अब बात करते हैं समेकित वाल संरक्षण कार्यक्रम। स्तर होगा रौप्य बंधन निकाय होगा। राज्य स्तर पर बाल संरक्षण समिति और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई। विकासखंड स्तर पर विकासखंड बाल संरक्षण समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम संरक्षण समिति। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को केंद्रीय रूप से सम्मिलित कर प्रारंभ किया गया। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक के सिद्धांत पर आधारित है। किशोर न्याय एवं अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन इस योजना का मुख्य घटक है। राज्य स्तरीय पुरस्कार राज्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा व्यक्ति संस्था महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा वीरता साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित राज्य स्तर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऐसे देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देश में लिंग आधारित शैक्षणिक असमानता को समाप्त करने तथा महिलाओं को उत्तरजीविता सुरक्षा एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। 2015 में यह योजना मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़, याद रखिए शुरू में 2015 में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़, दतिया में संचालित की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2017 में से 15 जिलों में संचालित किया जा रहा है और वर्ष 2019 में शुभांगी शर्मा देसाना जैन को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शुभांगी शर्मा और देसाना जैन एमपी के। ठीक, फिर है जवाली योजना। कौन सी जवाली योजना? मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियों जैसे बेड़िया, बछड़ा, सासी में वेश्यावृत्ति की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए वर्ष 1952 व 93 में से जवाली योजना का संचालन किया जा रहा है। फिर उषा किरण योजना। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को विधिक पुलिस सहायता परामर्श चिकित्सीय सहायता पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के फैसले से संचालित उषा किरण योजना 27 मई 2016 को पुनरीक्षित करके प्रारंभ की गई। फिर मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह। मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वर्ष 2018 में विधवा पुनर्विवाह योजना प्रारंभ की। इस योजना में 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं से विवाह करने पर 2,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की ओर से विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2018 में विधवाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द कल्याणी का प्रयोग किया गया तथा मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे खेलकूद से संबंधित मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स अपडेट हुआ है उसे देखेंगे हम लोग।